एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। बहुत ही गंदा और भद्दा मार्केट था आज। आज यानी कि 27 मार्च को बहुत ही बदबूदार मार्केट, जिसे हम कहते हैं उस तरह का मार्केट था। बहुत मुश्किल हुआ शायद रिटेल्स को, एक बार देखते चार्ट पे जाके कहाँ पे क्या कौन सा लेवल्स बना था, कहाँ से कैसा स्टॉप लॉस हिट हुआ और कल कैसा मार्केट हो सकता है। ऐसा ही भद्दा रहेगा या फिर कुछ हमें ट्रेड्स मिल सकता है, क्योंकि परसों एक्सपायरी है इस बार। तो कल भी अगर साइलेंट रह गया तो याद रखिएगा एक्सपायरी बहुत धमाकेदार होने वाला है। तो चार्ट पे चलिए देखते हैं, फटाफट से आज का टॉपिक शुरू करते हैं। थोड़ा सा फोकस करके देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। देखिए आज नॉर्मली डे का रिकैप करते हैं बैंक निफ्टी का। बहुत ही एक वॉलेटाइल दिन था, ठीक है। रेंज भले ही कम हो लेकिन लास्ट पे इसका मूवमेंट बहुत अल्ट्रा वॉलेटाइल हो गया था, कैप्चर करने जैसा नहीं था। इस तरह का कैंडल ऊपर से नीचे तक लगभग लगभग आधा घंटा, एक घंटे के अंदर, एक डेढ़ घंटे के अंदर 400 पॉइंट 15 मिनट का चार्ट पे, और आपको आसानी से समझ आएगा इस तरह का रिवर्स मोमेंटम बहुत मुश्किल हो जाता है एज अ ट्रेडर आपको कैच करना। क्योंकि देखिए टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे जब मैंने ट्रेड आज भी नहीं लिया क्योंकि मेरा ऑफिस अब तक पूरा तरीके से रिलीव नहीं हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फ्राइडे या फिर वेडनेसडे से मैं पूरी तरीके से फुल टाइम ट्रेडिंग में आऊंगा, तब लाइव में जब हम करेंगे चीज़ों को आपको समझ आएगा। देखिए नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, तीन बार इस लेवल को रिटेस्ट किया मार्केट ने, उसके बाद जाके अच्छी तरीके से ऊपर एक कैंडल क्लोज दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 10 में से 8 लोग ये ब्रेकआउट वाला ट्रेड लेंगे, बिल्कुल लेंगे, बनता भी है। क्यों? अगर बनता है तो एटलीस्ट आपको जैसे इस लेवल को तोड़ा तब आपको वहां पे लेना चाहिए, और अगर आपने वहां पे मिस किया तो हमेशा सेकंड रूल्स को फॉलो कीजिए कि कैंडल क्लोजिंग के बाद उसके हाई के ऊपर निकलना चाहिए। किसी एक चीज को आपको फॉलो करना चाहिए, या तो लेवल जैसे टूटे आप वहां पे ले लेती है, या फिर लेवल टूटने के बाद क्लोजिंग हो और उसके ऊपर निकले तब लीजिए। एक दिन टूटेगा लेंगे, एक दिन क्लोजिंग होगा लेंगे, उस तरह से। और अगर उस तरह से करना है तो खुद समझ जाइए, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कहाँ पे क्लोजिंग काम करेगा, कहाँ पे एक मोमेंटम काम करेगा, ठीक है। इसलिए मैं हर रोज आप लोगों के साथ ये शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए कैंडल क्लोज हुआ लेकिन उसके ऊपर निकला नहीं, और कैंडल क्लोजिंग के ऊपर निकलना किसी किसी चीजों में जरूरत था। हाँ, भले ही इस चीज में जरूरत नहीं था, आज वाले चीज में जरूरत नहीं था, लेकिन इसलिए मैं बोल रहा हूँ 10 में से 8 लोग ही यहाँ पे आज ट्रैप हुए होंगे, और उनका एक क्यूट सा बहुत ही सस्ता एसएल गया होगा, क्योंकि नॉर्मली एसएल इतना बड़ा कोई रखेगा नहीं, इस कैंडल के लो पे ही रखेगा और ये 50-60 पॉइंट जरूर गए होंगे। उसके बाद देखिए मार्केट किस तरह से नीचे आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मार्केट पे प्रेशर अपर लेवल्स पे बहुत ज्यादा है, तो अभी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट होने वाला है ये अपर लेवल्स, आज का हाई और सेम टू सेम आज का डे लो, ठीक है। ये दो चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इस चीज को आप देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, सेम टू सेम चीज 4 बार लो को आज टेस्ट कर चुका है बैंक निफ्टी। तो कल के सेशन में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं एक बार हम 15 मिनट का चार्ट पे देख लेते हैं। फ्लैट खुलेगा हमारे लिए सबसे अच्छा है, ऊपर जाएगा वेट करेंगे, नीचे जाएगा रेडी रहेंगे, ठीक है। ऊपर का स्ट्रेट क्यों वेट करेंगे, क्योंकि आज आपको एक डेमो दिख गया कि ऊपर तो चला जाएगा लेकिन प्रेशर कितना है, तो इसीलिए ऊपर हम जब ट्रेड करेंगे तब थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा कि ऊपर कैंडल क्लोज हो, उसके ऊपर निकले तो हम करेंगे, और नीचे जाएगा तो सबसे बढ़िया क्या रहेगा, जैसे ब्रेक करेगा हम वहां पर ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 1, 2, 3, 4 बार इस लेवल को टेस्ट कर चुका है बैंक निफ्टी ने, ठीक है। तो थोड़ा सा हम एक बार लेवल्स को भी मैं लिख देता हूँ, 39,260। अच्छा, इंस्टाग्राम पे मुझे कुछ लोग बोल रहे थे कि ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए, क्यों? मुझे तो नहीं लगता कि सब्सक्रिप्शन आपको उतना अभी जरूरत पड़ेगा। एक ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन लगभग लग जाता है, अच्छा खासा पैसा ही लग जाता है, 20-22 हज़ार रुपये लग जाता है, तो फायर से धन है वहाँ पे फ्री में मिलता है, तो आपको सब्सक्रिप्शन क्यों लेना है, अनलेस एंड अनटिल आपके पास 150-200 करोड़ है मैनेज करने के लिए। बैंक निफ्टी को देखना है, आराम से देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि सब्सक्रिप्शन आपको पैसा बना के देगा, आपको पैसा आपका माइंड सेट चार्ट बना के देगा, तो वो बेकार की चीज़ है कि सब्सक्रिप्शन होने से ही पैसा बनता है। ये सब चीज़ें से, नेगेटिविटी से दूर रहिए, ठीक है। आप ध्यान से जो भी आपके पास है उसी से आपका बहुत कुछ हो सकता है, अगर आपको करने आता है तो, ठीक है, ओके। तो ये दो लेवल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मान लीजिए फ्लैट खुलेगा और छोटा मोटा गैप अप खुलेगा, हमें कोई तक दिक्कत नहीं है। मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप खुलेगा तो मार्केट फिर एक वॉलेटिलिटी जोन के अंदर रह सकता है। देखिए ऑलरेडी आज का एडजस्टेड क्लोजिंग कहाँ पे, आपको पता है, लगभग 450 के आसपास एडजस्टेड क्लोजिंग, क्योंकि लास्ट पे जब भी इस तरह का एक मोमेंटम होता है तो एडजस्टेड क्लोजिंग थोड़ा ऊपर जाके मिलता है, कहाँ पे, 430 के आसपास, 985 हमारा निफ्टी और 430, तो मतलब एडजस्टेड क्लोजिंग है कहीं ना कहीं यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। तो बैंक निफ्टी अगर इसके थोड़ा बहुत ऊपर भी खुलता है कोई दिक्कत नहीं, हम वेट करेंगे बैंक निफ्टी को जो करना होगा करने देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। 39,260 के नीचे जैसे निकलेगा हम शॉर्ट कर देंगे, ओके। 39,260 के नीचे जैसे निकलेगा बैंक निफ्टी हम शॉर्ट कर देंगे, जो लोग थोड़ा सा दिमाग से खेलना जानते हैं, और जिनको आपका
क्या बोलते हैं उसको, कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जिनके लिए, जिनको जिनको कैंडल क्लोजिंग ही चाहिए वो लोग उतना देर वेट मत कीजिए। आप लोग 39,300 के नीचे आके कैंडल क्लोज करेगा तो आप ले लेंगे, ठीक है। दोनों का लेवल समझिए, 39,300, ये चीज़ मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, 39,300, ठीक है। ये लेवल के नीचे कैंडल क्लोज करेगा, भले ही 270 में आके करे, 260 में आके करे, 250 में आके करे, 280 में आके करे, तो आप ले लेंगे उस कैंडल के नीचे जैसे निकलेगा। और जो लोग कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करते, तुरंत लेते हैं, वो लोग 260 का इंतजार करेंगे, क्योंकि दोनों जगह बहुत चीज़ें हैं, आपको समझना पड़ेगा ये चीज़ें। ये जो वीक देख रहे हैं आपको कॉन्स्टेंटली इस लेवल के नीचे एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, तो इस बार करेगा तो निकल ही जाएगा, क्योंकि चार बार ये टेस्ट हो चुका है। और जो लोग कैंडल क्लोजिंग से उनके कोई मतलब नहीं, वो लोग 260 का इंतजार करेंगे, जैसे लो को ब्रेक करेगा तुरंत एक मोमेंटम आएगा, ठीक है। कहाँ तक आएगा, नेक्स्ट टारगेट जो निकल के आएगा कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का 38,950, मतलब वही 250-300 पॉइंट का, ठीक है। ये जोन तक हमारा टारगेट रहेगा, एस एल हम डे हाई या फिर लास्ट स्विंग का रखेंगे, ठीक है। ये हो गया फ्लैट ओपन होके या छोटा मोटा गैप अप ओपन होके अगर 260 को ब्रेक करता है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, एसजीएक्स निफ्टी जो देखा फ्लैट टू पॉजिटिव है, बहुत बड़ा अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है बैंक निफ्टी, तो हम क्या करेंगे, तो हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब फिर सपोर्ट की तरह काम करेगा। बहुत बड़ा गैप डाउन होने से भी मार्केट थोड़ा सा वॉलेटिलिटी क्रिएट कर देगा, तो हमें ध्यान से तब ट्रेड करना पड़ेगा, ओके। अभी मान लीजिए गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, बहुत बड़ा गैप अप, मान लीजिए छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है, हम वेट करेंगे 39,700 जो है ना, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करना चाहिए और उसके ऊपर निकलना चाहिए। क्यों, नॉर्मली ये लगता नहीं, लेकिन हम इस बार इसका वेट करेंगे, क्योंकि आज एक डेमो दिखा दिया कि सेलिंग प्रेशर बहुत पावरफुल है, तो इसको तोड़ने के लिए हमें 39,700 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग चाहिए और उसके ऊपर मार्केट को निकलना चाहिए, तो ही हम बाय करेंगे, ओके। और डायरेक्टली 39,700 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज कर देता, मतलब खुल जाता है मार्केट, मतलब बहुत बुलिशनेस, तो आपको छोटा मोटा एक बार एक शूटिंग स्टार या फिर कुछ अगर देखने को मिल गया तो तुरंत सेल कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का मोमेंटम मार्केट पे बहुत बड़ा गैप अप ओपन होना सस्टेन नहीं कर पाएगा मार्केट और बहुत फास्ट गिर जाएगा। हाँ, अलग बात है कि पूरा फर्स्ट हाफ एकदम किसी तरह ये रुक गया तो फिर हाँ ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, ठीक है। तो सारे आपको सिनेरियोस मैंने बता दिया, निफ्टी का मैं आज बता नहीं रहा हूँ, निफ्टी में मुझे उतना कुछ खास दिख नहीं रहा है, इससे अच्छा आप बैंक निफ्टी को फॉलो कीजिए, आपको ट्रेड मिलेगा। निफ्टी ज्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है, निफ्टी इतना अच्छा स्ट्रेंथ दिखाने के बाद इस तरह से गिर जाना कहीं ना कहीं निफ्टी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो बैंक निफ्टी को कीजिए फॉलो कीजिए, बैंक निफ्टी का रेंज भी बहुत अच्छा बना हुआ है, 39,700-39,260, ये दो रेंज के बीच, हाँ इन दोनों के बीच आप खुद ही देख पा रहे हैं किस तरह का मार्केट है, तो इन दोनों जगह के बीच अगर कुछ होता है तो डोंट गो फॉर ट्रेड, आप ट्रेड मत कीजिए क्योंकि आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो इनको ब्रेक करने दीजिए, एक बार 260 के नीचे ही लेंगे और 700 के ऊपर ही लेंगे, कहाँ कैसे लेंगे वो मैंने आपको बता दिया, आप खुद समझदार है, आपके लिए बहुत अच्छा लेवल्स मैंने निकाल के दिया, अब बस आपको जाके खाना है उसको, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, नीचे इंस्टाग्राम और यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है, जुड़ जाइए, आने वाले एक दो दिनों में ही आपको दिख जाएगा किस तरह का रील्स में रहा हूँ, आपके लिए बहुत एजुकेशनल हेल्पफुल कंटेंट होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल ध्यान से ट्रेड कीजिए, इनकेस कल भी अगर ट्रेड मिस होता है कुछ नहीं मिलता है तो दिल बैठाइए मत, क्योंकि थर्सडे को एक्सपायरी है, तो बहुत अच्छा ट्रेड आपके लिए वेट कर रहा है। टेक केयर एंड बाय।